कैसा है? बहुत हेलो एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपना टीटीसी पास लोड कर रही हूँ ताकि आज की हम अपनी जर्नी शुरू कर सके। टीटीसी पास मतलब मेट्रो कार्ड या बस पास, जिसमें आप अपने पैसे लोड कर सकते हैं और एक स्टॉप जाओ या आप पहले से आखिरी स्टॉप तक जाओ, सेम किराया है एडल्ट्स के लिए 3.5 और बच्चों के लिए 2.5 या 2 डॉलर। शुरू करते हैं आज का दिन। आज मैं आप सभी लोगों को लेके जाने वाली हूँ एक बहुत ही खास जगह, और ये बात आपको मैं बता दूँ, जो भी आज मैं खरीदूंगी वो सब वेजिटेरियन ही होने वाला है। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टीटीसी मैप के बारे में बता देती हूँ। ग्रीन, येलो, मैरून और जो ब्लू लाइन्स है, ये आपको बताती है आप कौन से एरिया रीजन में है, और अगर आपकी लाइटें लाल हो चुकी है विच मीन्स आप अपना डेस्टिनेशन क्रॉस कर चुके हैं। हम फिलहाल के लिए शुरू करते हैं आज का अपना दिन। वेलकम टू दुकान को आप भूलिएगा मत, क्योंकि हम लास्ट पे यहीं वापस आने वाले हैं। अभी के लिए हम है ब्रेड बेकरी में। इस ब्रेड बेकरी में ओ माय गॉड, इतने सारे ब्रेड और इतनी सारी डिफरेंट फिलिंग के साथ थे। मोस्टली मीठे ही थे सारे। इनमें से एक मुझे मिला टारो टारो, यानी कि अरबी, तो ऑफकोर्स वो तो मुझे ट्राई करना ही था। उसके अलावा भी हमने काफी सारे ब्रेड खरीदे। ये हमने अभी इस पडाइना मार्केट से स्पिनिच और चीज बन और टारो बन लिए हैं। खा के हम बताएंगे भी कैसे हैं। दिस इज स्पिनिच एंड चीज बेगल। स्पिनिच एंड चीज बेगल। You like it? Yeah, it's a little cheesy. Yeah. भूख के साथ साथ एक्साइटमेंट भी बहुत थी, तो ये तो चलते चलते ही खत्म हो गए। ये नेक्स्ट दुकान है सूप की। किस किस्म के सूप, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी हम लोगों ने कुछ स्नैक्स लिए हैं यहाँ चाइना टाउन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। और अभी हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं हमारे लिए ताकि हम बैठ के खा सके। मे बी यहाँ पे अगर हम लकी हुए तो कोई पार्क मिल जाए और फिर हम वहाँ बैठ के खाएंगे और आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या खरीदा। ऑल्सो वी डिस्कवर्ड जहाँ पे जो एनिमल का नाम लिखा है वही बना है। जहाँ ड्रैगन है उस साइड को ड्रैगन फेसेंगे, जिधर स्नेक लिखा है उस साइड को स्नेक फेसेंगे। रैबिट एंड देन 6 on this side, different characters. Oh, these are 12 horoscope thing. Permanent consistent hair salon. हमें 10 मिनट हो गए जगह ढूंढने के चक्कर में, पर अभी तक कोई जगह नहीं मिली है। एक तो हमें पता भी नहीं कि हम एग्जैक्टली है कहाँ अभी, बट कोई नहीं। इस खूबसूरत से आर्ट वर्क के पीछे एक पौराणिक कथा है। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि जो ये लड़की चांद पे है वो जेड एम्परर की बेटी है।
जेड एम्परर इनके स्वर्ग या आसमान के भगवान के बराबर थे। किसी और दिन आपको पूरी स्टोरी भी बताऊंगी। तो हमें फाइनली पार्क मिल गया है, अब हम आपको मिलेंगे किसी एक बेंच पे। सो हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम यहाँ बैठ के खाएंगे। धीरे धीरे सब निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये रेड बीन पेस्ट राजमा जैसे की तरह होते हैं। टास्क देयर यू गो, स्टीम टारो, tapioca, red bean, this is sweet potato, chewy sweet potato balls, yeah, chewy taro balls. Wow, too excited to try it. और ये चाय है, herbal tea, black tea जैसे। कैसा है? कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ये कुछ ऐसे दिखता है, रेड बीन सूप, राजमा का सूप, पर ये मीठे राजमा है। ओके, व्हाट इज दिस? हां, मैंने ये डाल के टेक आउट, आई एम रियली हार्ड टू टेक आउट, स्ट्रगल इज रियल। टेस्ट इट। How do you rate it? have the soup. Don't choke. ये pineapple bun है, इसमें सिर्फ crushed pineapple की तरह, इसीलिए इसको pineapple bun बोलते हैं। और यहाँ पे local shops में ये pieces काट के butter के साथ दिया जाता है गरम करके। How is this one? Pretty good. ये म्यूजिक उस आइसक्रीम वैन से आ रहा है। What is this, Rainy? This is herbal tea. Very herbal. Tastes like medicine. Which building is this? Art gallery of Ontario. Ooh. Nice architecture. फ्रंट व्यू आर्ट गैलरी ऑफ ऑन्टेरियो का। तो हम पार्क से निकल चुके हैं, काफी पेट भर चुका है, पर फिर भी अभी हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई है। हम पार्क के चक्कर में इतना घूमे उस वक्त कि हम घूमते घूमते सेम जगह पे आ गए। अभी हम वापस जा रहे हैं जो मैंने आपको सबसे पहले दुकान देखी थी, वहाँ पे राइस पफ राइस रोल जब से कोविड शुरू हुआ है, ये पिंक बॉक्स मैंने दूसरी बार देखा है। तो इस बार मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इसके ओनर से पूछ ही लिया कि ये है क्या। ये बॉक्स ये कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी के लिए यूज करते हैं, ये रिमोट के थ्रू चलता है। इज़न्ट इट कूल? Oh my god, you know where that is? Vietnam. Really? Yeah. That's the old post office in my city, Ho Chi Minh City. अरे मैं आपसे तो पूछना भूल ही गई, अगर आपको अभी तक कोई भी खाना या जगह पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। चलते चलते हमें एक ये स्ट्रीट आर्टिस्ट भी मिला जो ये आर्ट या पेंट कर रहे हैं, उसे ग्रेफिटी कहा जाता है हिंदी में, भित्ति चित्र, जो कि यहाँ के काफी सारी दीवारों में आपको नजर आएगा। एक चाय का कप नीचे भी गिरा है। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो।
सो हम यहाँ पे आए, अब अपना मेन्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमें पसंद होगा वो हम इस पेपर पर लिख के देंगे, क्योंकि अगेन कोविड की वजह से कुछ भी आप डायरेक्टली नहीं दे सकते, पकड़ सकते हैं, पास में जा सकते, सब जगहों ने अलग अलग रूल निकाले। फाइनली डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ले लेंगे और शायद दो चार आइटम यहाँ से ही। खाना रेडी होने में 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ के किसी स्टोर में जाके उन 15 से 20 मिनट का उपयोग किया जाए। ये यहाँ पे 7-Eleven है, इसमें मोस्टली आपको सारी चीजें, पेट फूड वगैरह भी। सब कुछ है नूडल्स में भी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चीज आते हैं, जैसे मैं बता रही थी 2 पर से 1 पर से, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीज। हमारा खाना तैयार हो चुका है और अब हम जा रहे हैं घर की ओर वापस। आपको आसमान को देख के लग नहीं रहा होगा, पर ये रात के 9 बज चुके हैं। यहाँ पे दिन काफी लंबे होते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में उतने ही छोटे, 5 बजे अंधेरा आ जाता है। फिलहाल आपको मिलती हूँ घर के अंदर। ये है आज का हमारी खरीदारी जो हमने चाइना टाउन से की है। ये कस्टर्ड बन है, ये राइस रोल पफ फ्राइड ब्रेड है, ये भी राइस रैप में है, वेजिटेबल और एग। ये है कॉर्न्स राइस रैप में, और ये है गाजर और स्पिनच, और ये सॉसेज इसके साथ, ये सोयाबीन मिल्क। खाने के बाद मैं बताऊंगी कैसे थे ये। Mm-hmm. But the filling's so stingy. So sad. Back home, they're like this big. Ye fried bread hai. Chopstick ke saath khaye jane chahiye, but it's okay. Google. Sauce very good. Try with crack pot. हमारा तो आज का दिन यही समाप्त हो रहा है, पर आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा आज की दिनचर्या कैसी लगी। क्या आप इनमें से कोई भी फूड आइटम ट्राई करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के रिप्लाई का वेट करूंगी। तब तक के लिए मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ, और आप सभी को मालूम है नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग में। Bye!